दर्शकों, कर्म और भाग्य से कैसे छूटे? कर्म तो हर मनुष्य करता है और उसी से उसका भाग्य भी निर्मित होता है, अर्थात मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। अगर इंसान को अपना भाग्य सबल और सक्षम बनाना है तो उसे कर्म भी उसी के अनुसार करना पड़ेगा। इसमें संभव है सभी कर्मों में कई बार अनुचित कर्म ना चाहते हुए भी हो जाते हैं और उसका परिणाम होता है उसका फल जो हमें संचित कर्म के रूप में मिलता है और वही हमारा भाग्य बनकर जब हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है तब हमें बहुत दुख होता है और कई बार तो ऐसे कर्मों का फल हमें इस कदर मुसीबत में डाल देते हैं जिससे छूटना लगभग असंभव का लगता है। कर्म का पूरा चक्र होने के लिए उसका पूर्ण होना अति आवश्यक है, अर्थात जब कोई कर्म निर्मित होता है तो उसका फल जब तक ना मिले तब तक उसका कर्म चक्र पूर्ण नहीं होता। इससे ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे अपने किसी से कुछ पैसे उधर लिए तो आपको वह लौटाने पड़ेंगे, जब लौटाओगे तभी वह उधारी का कर्म चक्र पूर्ण होता है और उसके पश्चात वह इंसान आपसे कभी उस पैसे के विषय में मांगेगा नहीं। ठीक उसी तरह से अगर कर्म का फल जब तक ना मिले तब तक यह कर्म और फल का दुष्चक्र चलता रहता है। तो कैसे बचे इससे और कैसे अपने भाग्य का निर्माता बनकर भी हम इस चक्र से बचे रह सकते हैं, इसी विषय में आज बात करेंगे। तो दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। तो चलिए तो आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। कर्म और भाग्य इंसान से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे चांद और सूरज। जब कर्म होता है तब भाग्य नहीं होता और जब भाग्य होता है तब कर्म नहीं होता। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है पर दोनों साथ साथ नहीं होते हुए भी साथ साथ ही चलते हैं। ठीक वैसा है कर्म और भाग्य में। जब आपका भाग्य होता है तब कर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता और जब जब कर्म अस्तित्व में होता है तब भाग्य नहीं होता। इसके पीछे भी एक कारण है। जब आप कर्म करते हैं तब उसी कर्म के आधार पर ही आपका भाग्य निर्मित होता है और जब आपका उस भाग्य का फल प्राप्त होता है तब उस कर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात अस्तित्व दोनों का साथ साथ पैरेलल है किंतु साथ नहीं मिलते कभी। जैसे रेल की दो पटरी है ऐसे साथ साथ चलती है किंतु मिलती कभी नहीं। ठीक उसी तरह से कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको भाग्य से छूटना है तो कर्म भी छूट जाएगा और अगर कर्म से छूटना है तो भाग्य भी छूट जाएगा। यह बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको पता चले कि एक के बगैर दूसरा नहीं है। यह सब समझने के लिए हमें पहले करना क्या है यह समझना आवश्यक है और उसके पश्चात हम भाग्य को समझेंगे, तब हमें यह ज्ञात होगा कि किस तरह से इनसे छूटा जा सकता है। इसी कारण से हम पहले कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्म श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हर एक व्यक्ति कर्म करता ही है और कर्म के बिना कोई भी अति रह नहीं सकता, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी अब कुछ तो कर ही रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि आप सांस ले रहे हैं और बैठने का कर्म कर रहा है, अगर सो रहे हैं तो सोने का कर्म कर रहा है, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन का कर्म कर रहा है, अगर आप चल रहा है तो चलने का कर्म कर रहे हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता। जब कोई कर्म होता है तो उसका प्रतिफल भी निश्चित हो जाता है, यही गीता का उपदेश है। खास करके कर्मयोग के विषय में इसलिए आवश्यक है कि पहले कर्म को जाने, तब उससे बचना तो असंभव सा लगता है किंतु यह केवल एक भ्रम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है
कि हमें कर्म करना है, फल की आशा नहीं रखनी है। फिर तो यहाँ पर एक दुविधा है जो अक्सर लोग हमें प्रश्न के रूप में पूछते रहते हैं, वह यह है कि बिना आशा के एक भी कर्म नहीं होता। जैसे अगर हम दुकान चलाते हैं और दुकान पर जाते हैं तो कुछ न कुछ पाने की आशा होती है। अगर खेती करते हैं तो फसल अच्छी होगी तो हमारा कल्याण होगा, यह भावना मन में होती है, तो इसमें हम कैसे आशा न रखें। तो इसका अर्थ साफ है कि बिना आशा के कोई कर्म नहीं हो सकता। पर नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, अकर्ता बन के कार्य करना है तभी कार्य पूर्ण होता है और उसमें फल की आशा भी नहीं रहती। उसे ऐसा समझे जैसे आप कहीं बाजार में जा रहा है, आपके बगल में कोई बुजुर्ग इंसान जो लाठी के सहारे चल रहा है, अचानक हाथ में से लाठी छूट जाती है और वह गिरने वाला होता है, तभी आप उन्हें बचा लेते हैं। तो अब बताइए आपको उसमें कौन से फल की आशा थी? आपको तो तब मन में भी हंसाना थी कि वह धन्यवाद भी देगा। आपको उसे बचाने के लिए ना कोई धन देने वाला था, परंतु आपने कर्म किया वह भी बिना किसी फल की आशा के। बस यही है पूर्ण कर्म। ठीक इसी तरह से सारे कर्म हमें करने हैं, जैसे खेत में जा रहे हैं, कर्म तो कर ही रहे किंतु आशा नहीं रखनी है कि हमें इतना मिलेगा उतना मिलेगा। बस हमें अपना कर्म इस तरह करना है जैसे हमारी ड्यूटी हो। जैसे ईश्वर ने हमें, परमात्मा ने हमें एक कर्म करने के लिए भेजा है और वह खेत है, हमारा नहीं है, वह परमात्मा का है। ऐसा समझकर, और फसल भी परमात्मा की है, ऐसा समझकर कार्य करना है, तब जाकर कर्म पूरा होता है और उसमें फल की आशा बिल्कुल नहीं होती। और जब किसी कर्मों में फल की आशा नहीं होती है तब आप बिना कर्म के हो जाते हो, तो स्वाभाविक है फल मिलेगा तो भी वह आपका फल नहीं होगा। इसी चक्र से बचने के लिए आप अकर्ता बन सकते हैं। अब बात करते हैं भाग्य की। जब आपका कोई कर्म ही नहीं बनता तो स्वाभाविक बात है कि आपका भाग्य भी उस कर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके पीछे का कारण यह है कि आपने जो कर्म किए वह स्वयं के लिए नहीं किंतु परमात्मा के लिए किए, इसी कारण से उसके फल का हकदार परमात्मा हो गया। यह बात अलग है कि परमात्मा फल स्वीकार नहीं करता और आपको उसका फल प्रदान करता है, इसी कारण से आपके कर्म भी नहीं हुए और आपका फल भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर कई लोग प्रश्न करते हैं, तो क्या बुरा कर्म करते वक्त भी यही नियम लागू होता है? यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि जी हाँ, यहाँ पर भी यही नियम लागू होता है, किंतु जब आप परमात्मा के लिए कर्म करते हैं तो कोई भी कर्म बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त में जब आप परमात्मा के लिए कोई कर्म करते हैं तो परमात्मा बुरा कर्म करने से रोकता है, इसी कारण से बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको जो फल मिलेगा वह सत्कर्म का ही मिलेगा। अगर भाग्य के चक्कर से बचना है तो कर्म के चक्कर से भी बचना पड़ेगा, वरना यह असंभव है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम अकर्म की अवस्था में भी जा सकते हैं, अर्थात कुछ भी ना करना यानी कोई कर्म ही नहीं करना, तो क्या फल मिलता है? जबकि मिलना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप अकर्म की अवस्था में जाते हैं तब भी आप कुछ ना कुछ तो कर्म करते ही रहते हैं, जैसे सांस लेना, सोना, उठना, बैठना, जिससे कई कर्म होते हैं जो आपसे होते ही हैं, तो उसका फल भी मिलना निश्चित है, क्योंकि बिना कर्म के यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो संभव है कि आपको भोजन भी ना मिले, क्योंकि आपने उसके लिए कोई कर्म नहीं किया। भोजन करते हो किंतु भूख मिटाने के लिए, तो आपको भोजन करते समय परमात्मा को याद करना बनता है, और भोजन करते वक्त यही सोचना है कि आप भोजन स्वयं के लिए नहीं अपितु परमात्मा ने जो यह शरीर दिया है उसके निर्वाह हेतु भोजन की आवश्यकता होने पर भोजन कर रहा है, यही सोचना है, तभी यह कर्म जो है अर्थात भोजन का कर्म है
उससे आप छुटकारा पा सकोगे और उससे ही होगा यह कि आप कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे तो उसका फल भी आपको नहीं मिलता। सत्य बात तो यह है कि फल तो मिलता ही है, किंतु फल आपका नहीं होता, क्योंकि वह परमात्मा का होता है और परमात्मा ने स्वीकार नहीं किया। इसी कारण से आपके पास वापस लौट आया तो स्वाभाविक बात है कि आपका फल ना होते हुए भी आपने स्वीकार किया। इसीलिए आप पर कोई दबाव नहीं रहता और आपका बिना आशा के कर्म का निश्चय भी पूरा हो जाता है और आप पूरा जीवन में उस कर्मों का फल कभी नहीं सकोगे जो कर्म आपने परमात्मा के लिए किया। इसी कारण से आपका भाग्य निर्माण नहीं होता और आप जन्म मृत्यु के बंधन से बच सकते हैं, क्योंकि हमारा अगला जन्म भी इस जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। जब आपने इस जन्म में बिना फल की आशा के ही सारे कर्म किए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपका कर्म बनता नहीं और जब कर्म बना नहीं तो उसका फल भी आपको नहीं मिल सकता। तो आपको भुगतान करने के लिए दूसरा जन्म कदापि नहीं लेना पड़ेगा और आप मोक्ष को प्राप्त हो पाओगे। भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती जब अग्नि कुंड में अपना देह त्याग कर रही थी, तब उसके पिता दक्ष ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। तब सत्य को क्रोध आ गया था और उन्होंने अपना आदि शक्ति रूप का दर्शन करवाया था और बोला था कि वह चाहे तो तत्काल दक्ष का वध कर सकते हैं, चाहे कितने भी वरदान उसे मिले हो, किंतु वह ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि दक्ष इस जन्म के देह के वक्त पिता थे और पिता की हत्या करके कर्म बंधन के चक्कर में नहीं पड़ सकती। इसीलिए उन्होंने स्वयं अपने देह को अपनी स्वयं ऊर्जा से नाश कर दिया। जब ईश्वर, देवी देवता इत्यादि करना बंधन के चक्कर में नहीं पड़ते तो हमें भी नहीं पड़ना चाहिए। कर्म और भाग्य का चक्र ऐसा दुष्चक्र है जिसमें से निकलना बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि एक बार इसमें फंसे तो इंसान उसमें फंसता ही चला जाता है। एक कर्म को कर लिया तो उसके फल के चक्कर में अन्य कर्म भी हो जाते हैं और इसी से सब भाग्य निर्माण हो जाता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया श्लोक का स्मरण करिए और उस पर चलने का दृढ़ निश्चय करिए तो आप कभी भी कर्म बंधन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और आपका मोक्ष का मार्ग सरल हो जाएगा। क्या भाग्य को बदला जा सकता है? भाग्य को बदला जा सकता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। इस भाग्य का आकलन एक ज्योतिषी उस व्यक्ति की जन्म कुंडली या हस्त रेखाओं के द्वारा करता है। भारतीय ज्योतिष में एक दूसरा पक्ष यह भी है कि व्यक्ति वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों से अपने पूर्व निर्धारित भाग्य को किसी सीमा तक बदल सकता है, लेकिन भाग्य को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकता। इसका कारण यह है कि इस जन्म के समय कई पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का संचित फल होता है, उसको केवल एक जन्म के कर्मों से नहीं बदला जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को बदला जा सकता है। महाभारत की समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यदि आप भगवान हैं तो मुझे यह बताएं कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जिनके कारण मुझे भगवान ने 100 पुत्र दिए और फिर मेरे सामने ही उनको मरवा दिया। श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया था कि इस जन्म से 100 जन्मों के पहले आपने बचपन में पक्षियों के 100 बच्चों को खेल खेल में मार दिया था, उस पाप का ही यह फल है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि इस पाप के लिए मुझे 100 जन्मों का इंतजार क्यों करना पड़ा? तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि आपके 100 जन्मों में आपके शुभ कर्मों ने आपको इस योग्य बनाया कि आपके 100 पुत्र हो सकें। जैसे ही 100 पुत्रों ने जन्म लिया, महाकाल ने आपके 100 जन्म के पूर्व के पाप का फल आपको दे दिया। उपरोक्त कहानी कहाँ तक सत्य है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी से भारतीय ज्योतिष का आधार सिद्ध हो जाता है।
आजकल बहुत से दंपति ऐसे होते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती अथवा पुत्र जन्म नहीं होता। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल होता है। लेकिन उचित चिकित्सीय इलाज, ग्रह शांति अथवा माता पिता या गुरु के आशीर्वाद से कभी कभी संतान हो जाती है। एक गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा आगे जाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा सम्मानीय व्यवसायी, राजनीतिक नेता या धनवान व्यक्ति बन सकता है। धनवान और सुख सुविधाओं से संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा वर्तमान जीवन के कुकर्मों से और गलत संगति के कारण अपने जीवन को बर्बाद भी कर लेता है। अपने कर्मों से हम अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं? मेरा एक दोस्त हुआ करता था कॉलेज के वक्त, उसको एक पंडित ने बोल दिया कि वह जिंदगी भर गरीब रहेगा चाहे जो हो जाए। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इसलिए उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। परंतु उसने उस पंडित की बात को नकारते हुए कहा कि मैं बहुत ही जल्द बहुत पैसे कमाऊंगा। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी जो चल बसी थी। मेरे दोस्त ने कहा कि वह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और एक आराम भरी जिंदगी जीने के लिए एवं दुनिया घूमने के लिए मेहनत करने को तैयार है। फिर उसने खोज शुरू करी और उसे अपनी राह मिल गई। उसने लगातार 5 सालों तक मेहनत करी। हमारे कॉलेज खत्म होने के 7 सालों बाद एक बार मेरी उससे बात फेसबुक पर हुई और मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेहनत करके वह इतना अमीर बन गया था कि पूरी दुनिया में जहां चाहे वहां घूम सकता था। उसको पैसों के बारे में सोचना भी नहीं पड़ रहा था, तो जैसा उसने सोच लिया वैसा उसने पा लिया। यह सृष्टि का संविधान है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कर्म। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर आप आम का बीज बोगे तो मिर्च नहीं मिलेगी, आम ही मिलेंगे। चाहे जल्द मिले या देर से, परंतु फल तो आम का ही होगा। अगर आपने मान लिया कि कुछ भी असंभव नहीं और उस मालिक पर विश्वास करते हुए आप अपने कर्मों को करते चले गए, तो आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं वह जरूर बन जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, भाग्य को बदला नहीं जा सकता, आपको अपने भाग्य का सामना करना ही होगा। ध्यान से समझिए इसे। जब मेरे दोस्त ने मेहनत करनी शुरू करी तो उसे एकदम से ही परिणाम नहीं मिल गए, उसमें वक्त लगा। परंतु उसने शुरुआत में जो कर्म करे, पहले 2 सालों में जब ज्यादा कमाई नहीं थी तब उसने अपने आने वाले कल यानी भाग्य के बीज को बो दिया था। जो उसने 2 साल मेहनत करी और करता गया, उस बीज के द्वारा उपजने वाले फल को यानी भाग्य को बदला नहीं जा सकता था। उसे उसकी मेहनत का फल मिलना ही था। यानी आप जो भी कर्म के बीज को आज बोगे वह ही आपके भाग्य का निर्माण कर रहा है। किसी के बोलने से ही भाग्य नहीं बन जाता। तभी तो सारी महाभारत लिखने के बाद वेद व्यास जी ने लिख दिया आखिर में, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कल। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।